हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। फ्रेंड्स, यार एक हफ्ते पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड की थी जहां पे मैंने आपको बताया था ऑक्सीलेटर स्ट्रैटेजी को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि स्ट्रैटेजी को एक हफ्ता हो गया है, नई स्ट्रैटेजी के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो भाई सिंपल एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी परमानेंट नहीं होती है। काफी टाइम हो गया यार आप सबको जुड़े हुए इस चैनल के साथ, अभी तक आप इतना समझ गए हैं, ये मुझे काफी खुशी हुई सुन के कि आप लोगों को इतनी चीज समझ आने लग गई। ये स्ट्रैटेजी परमानेंट होती है, हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है और चेंज करना पड़ता है पैरामीटर्स, वैल्यू, इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इचिमोको क्लाउड स्ट्रैटेजी जो कि 1930 में इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो भाई एक ट्रेडिशनल वे पे जाने वाले भाई पुराने तरीके की जो स्ट्रैटेजी थी वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि यार हालांकि काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है मार्केट में फिलहाल के टाइम पे। यार बड़ी बड़ी जो स्ट्रैटेजीज होती है जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3, 4, 5 इंडिकेटर्स, अगर उनके ऊपर भारी पड़ती है एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी तो भाई बुरा क्या है। अगर पूअर टेक्निक से हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो हमें रिजल्ट्स अच्छे की तरफ जाना चाहिए, टेक्निक्स को नहीं देखना चाहिए। इचिमोको क्लाउड सुनने में बहुत आसान लग रही होगी लोगों को, अभी आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं, मेरे पीसी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे ट्रेंड लाइंस आप देख सकते हैं। लेकिन कैसे इसे आप अप्लाई करेंगे, कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे काम की है, कौन सी ट्रेंड लाइन को यूज करके हमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड के सिग्नल्स मिलेंगे, कितनी डायरेक्शन के लिए हमें सिग्नल्स लेने हैं, ग्राफ का जो टाइमिंग है वो कितना रखना है, इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है, स्ट्रैटेजी के अप्लाई करने के बाद क्या कोई वैल्यूज में चेंज करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे भाई वीडियो के अंदर। और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं, जैसे कि आपको पता है चैनल जाना ही आसान भाषा में समझाने के लिए जाता है। तो यार एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो स्ट्रैटेजी को जरूर अप्लाई करना अपने चार्ट के ऊपर, रियल टाइम सिनेरियोज में एक ट्रेड जरूर लेना, 2-3 ट्रेड के बेसिस पे जज करना स्ट्रैटेजी को, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड के बेसिस पे मत जज करना। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करके अपने भाइयों को जरूर बताना कि भाई स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही, आपका जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे पीसी की स्क्रीन पे देख सकते हैं इचिमोको क्लाउड की जो स्ट्रैटेजी है वो लाइव है, यानी कि अप्लाइड है। यूरो यूएसडी पे 82% का प्रॉफिट रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे देखने को मिल सकती है, रेड, ग्रीन, येलो और ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, स्काई ब्लू टाइप की, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि इसे मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ। तो मैं स्ट्रैटेजी को कट कर देता हूँ ग्राफ के ऊपर से, ग्राफ एकदम नीट एंड क्लीन एंड सिंपल दिख रहा है अभी आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक मिनट का जो टाइमिंग है वो सेलेक्ट है, एक मिनट क्या भाई, ग्राफ का टाइमिंग है वो, वहाँ पे आपको एक मिनट में ट्रेड नहीं लेनी है, ट्रेड आपको लेनी है 15 मिनट्स की। और घबराने की बात नहीं है, 15 मिनट की ट्रेड है इसको मैं स्किप करूँगा, यानी कि ट्रेड लेने के बाद डायरेक्टली आएंगे ट्रेड के रिजल्ट पे। रीज़न उसके पीछे का ये है कि यार फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई आप जो है स्किप करते हो, तो काफ़ी सारा पॉजिटिव रिव्यूज़ भी आए, काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी आए कि आप स्किप मत किया करो, कॉमेंट्री दिया करो ट्रेड्स के ऊपर। लेकिन कमेंट्री अगर मैं देने लग गया तो वीडियो की जो लेंथ है वो 30 मिनट्स की हो जाएगी और वो मुझे चाहिए नहीं, सिंपल ही यार, बहुत लंबी वीडियो चली जाती है। तो आज हम ट्रेड लेने वाले हैं $500 की पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं, इंडिकेटर्स के सेक्शन पे मैं जाता हूँ, इचिमोको क्लाउड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे मैंने अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ जाती है 926.52, तो मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 926 एंड 52 के साथ हम जाने वाले हैं वैल्यूज के। अब इस तरीके का ग्राफ का स्ट्रक्चर आ जाता है, हमें दो सिग्नल्स मिलेंगे बेसिकली, आपको भी पता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए। तो यार सबसे पहले ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए, इतनी सारी ट्रेंड लाइन्स हैं इनमें से हमारे काम की कौन सी ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर की और येलो कलर की ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सबसे ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारे काम की ट्रेंड लाइन है, यानी कि इन ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हमें ट्रेड लेनी है और किसी ट्रेंड लाइन को देखना भी नहीं है भाई। ये सब जो लाइन दिख रही है भाई, ये जंजाल दिख रहा है, ये जाल सा दिख रहा है, इसको स्किप कर दो, अपने दिमाग से निकाल दो, कुछ काम का नहीं है। जब येलो कलर की ट्रेंड लाइन रेड कलर की ट्रेंड लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है, जो कि इस पॉइंट पे किया है लाइव ग्राफ पे मैं आपको दिखा रहा हूं,
तो उस केस में आपको 15 मिनट्स की ट्रेड लेनी है। यहाँ पे सवाल आता है 15 मिनट्स की ही ट्रेड क्यों लेनी है, क्योंकि स्मॉल ट्रेड्स अगर आप लेते हैं 1 मिनट की, 5 मिनट की, इचिमोको क्लाउड के साथ तो काफी अच्छी वर्क कर रही थी, लेकिन अभी के सिनेरियो में नहीं। मैंने आप एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं मैं इचिमोको क्लाउड के ऊपर, जहां मैंने 3 से 5 मिनट की ट्रेड आपको सजेस्ट की थी। दैट टाइम वो काफी अच्छी वर्क कर रही थी, बट करंट सिनेरियोज के हिसाब से 15 मिनट्स की ट्रेड ही आपके लिए लेना सही रहेगा। अभी मार्केट की स्थिति अगर मैं देख के बताऊं तो, क्योंकि हर एक स्ट्रेटजी जो टेस्ट होती है ना भाई, बहुत सारी स्ट्रेटजी बनाता हूं लेकिन जो टेस्ट करता हूं आप लोगों के लिए, तो वो करंट मार्केट सिनेरियो को देख के होती है, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो यहां पे अगर मैं 15 मिनट्स की ट्रेड लेता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 15 कैंडल्स को मैं काउंट करूंगा, क्योंकि ग्राफ का जो टाइम है वो 1 मिनट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अ बिग ITM ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं अपोजिट सिनेरियो की बात करता हूँ, यानी कि मुझे डाउनवर्ड ट्रेंड के सिग्नल तो मिल गए, अब मुझे अपवर्ड ट्रेंड के सिग्नल कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे भैया ट्रिक ये है कि अगर येलो कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो हमें जो ट्रेड लेनी है वो डाउनवर्ड ट्रेंड लेनी है, डाउनवर्ड ट्रेड लेनी है। और अगर सेम सिनेरियो में येलो कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करती है, तो दैट टाइम हमें जो ट्रेड लेनी है वो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लेनी है, और 15 मिनट्स। यार मतलब जो खेल है ना वो सारा येलो लाइन पे, अगर येलो लाइन क्रॉस करती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसके बेसिस पे हमें ट्रेड लेनी है, ना कि रेड लाइन के बेसिस पे। रेड लाइन तो एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी जो ट्रेंड को शो करेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में ट्रेंड को कॉन्फर्मेशन देगी वो येलो कलर की ट्रेंड लाइन को देने वाला है। अब मैं आप पीछे की सिनेरियोज आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर की ट्रेंड लाइन ने अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया है रेड कलर की ट्रेंड लाइन को, और आपने लिए अगर 15 मिनट्स की ट्रेड, तो मैं काउंट करता हूँ 15 कैंडल्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे ट्रेड होती है क्लोज और आपको मिलता है बिग ITM। तो भाई अभी क्या करते हैं, करंट सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी इस पर्टिकुलर ग्राफ पे कुछ ऐसे सीन नहीं मिल रहा है जहाँ पे मैं ट्रेड ले सकूँ, तो करेंसी चेंज करते हैं और हो सकता है हमें कोई और करेंसी पे ऐसे सिचुएशन मिले, मेट करे, जहाँ पे हम अच्छी ट्रेड ले सकें। तो मैं अभी सारी करेंसी पेयर्स पे जा रहा हूँ और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई हमें अच्छी ट्रेड मिल जाए, जहाँ पे हम अच्छी सिनेरियो मिल जाए जहाँ पे हम ट्रेड ले सकें। क्योंकि यार मैं हमेशा से आपको सजेस्ट करता हूँ, दिन में चाहे एक ही ट्रेड लो लेकिन वो प्रॉफिट में क्लोज करो। अगर आप बहुत सारी ट्रेड्स के पीछे भागते हो, प्रॉफिट में क्लोज नहीं होती है, तो यार मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा आइडियल सिचुएशन रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रेड कम लो यार, लेकिन अगर आप प्रॉफिट, अगर आप सपोज करते 50 ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका पूरा अर्निंग डे का $1 $2 लगता है, मतलब आप प्रॉफिट लॉस करके ख़त्म कर देते हो, उसमें फ़ायदा क्या है? जितनी ज़्यादा ट्रेड्स आप लोगे उतनी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग मिस आउट कर देते हैं यार, ध्यान नहीं देते, बहुत सारी ट्रेड्स ले लेते हैं और ट्रेड्स लेने के चक्कर में वो पूरा अकाउंट को ख़त्म कर देते, ब्लू कर देते। तो फ्रेंड्स मार्केट को चेक करने के बाद मैंने $1000 की ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। $500 की क्यों नहीं प्लेस की, इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आएगी यहाँ पे, ये जो ट्रेड है हमारी पॉजिटिव में क्लोज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर की ट्रेंड लाइन ने क्रॉस किया रेड कलर की ट्रेंड लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हमने ट्रेड ले ली है 15 मिनट्स के लिए एंड $1000 इन्वेस्टमेंट के साथ। अभी हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेंड जो है वो चल रहा है, लेट्स सी कि अगले 15 मिनट तक क्या सिनेरियो रहता है। वीडियो को स्किप करते हैं और डायरेक्टली आते हैं एंड पार्ट पे। यार मैं लास्ट मिनट पे आऊंगा जब ये कैंडल लास्ट मिनट में फिनिश होने वाली है, तो लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना यार, मजा आएगा आप लोगों को, डेफिनेटली मजा आने वाला है कि क्या होगा इस वीडियो में और क्या सिनेरियो रहेगा, हम प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेड हमने प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, और भाई हमेशा से आपको कहता हूं एक ट्रेड के बेसिस पे जज मत किया करो स्ट्रेटजी को, कम से कम 3 से 4 5 से 6, यानी कि कम से कम यार दर्जन भर ट्रेड तो लो, उसके बाद आप डिसाइड करोगे स्ट्रेटजी कैसी है, एक ट्रेड के बेसिस पे मत करो। 15 मिनट का क्यों मैंने बोला था, क्योंकि लास्ट टाइम फ्लक्चुएशंस की वजह से ही हम जीते, मतलब लास्ट कैंडल पे आप देखेंगे काफी ज्यादा बंप मिला ऊपर की तरफ और हमने जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज कर दी है। यार स्ट्रैटजी यूज जरूर करना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और यूज करने के बाद जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पसंद आती है, प्रॉफिट होता है, तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। आपका हर एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है और आपका हर एक फीडबैक सजेशन बहुत
इम्पॉर्टेंट है चैनल के लिए और आप लोगों के लिए भी, ताकि उसी के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियोस आती हैं और आप लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बेसिकली सॉल्व होती है। तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद जरूर आई होगी आप लोगों को, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।